अमेरिका में एंटी कास्ट मूवमेंट को बड़ा धक्का लगा है। कैलिफोर्निया में लाए गए एंटी कास्ट बिल SB 403 को गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने SB 403 को वीटो कर दिया है। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल गवर्नर गेविन न्यूसम के पास सिग्नेचर के लिए गया था। अगर गवर्नर बिल पर साइन कर देते तो ये कानून बन जाता और पूरे कैलिफोर्निया में लागू हो जाता, लेकिन गवर्नर न्यूसम ने बिल को वीटो कर दिया, जिसका मतलब ये है कि जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला बिल SB 403 कानून नहीं बन पाया। गवर्नर न्यूसम के इस कदम के बाद पूरे अमेरिका में एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे समतावादी और न्याय पसंद लोगों को तकलीफ हुई है। पिछले करीब 2 महीने से दलित बहुजन बैकग्राउंड के लोग बिल पर गवर्नर के साइन कराने को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे, जिसमें बुजुर्ग लोग थे, महिलाएं थी। पिछले कई दिनों से ये लोग भूख हड़ताल कर रहे थे। गुरु रविदास और बाबा साहेब के अनुयायी इस बिल को कानून बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन गवर्नर न्यूसम जाति के खिलाफ चल रही इस ऐतिहासिक लड़ाई में न्याय के साथ ना खड़े हो सके। गवर्नर न्यूसम का कहना है कि कैलिफोर्निया में पहले से ही मौजूद कानूनों में किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही है, इसलिए अलग से जाति भेद पर कानून लाने की जरूरत नहीं है। गवर्नर के इस कदम से अमेरिका में बसे सवर्ण हिंदुओं में खुशी है और वो इसे हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी भी जाति के खिलाफ डटे हुए हैं। एंटीकास्ट बिल SB 403 को लेकर जबरदस्त काम कर रहे इक्वेलिटी लैब ने कहा कि भले ही गवर्नर ने यह बिल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अंबेडकरवादियों के लिए यह अपने आप में एक जीत की तरह ही है, क्योंकि पहली बार अमेरिका में जाति को लेकर इतनी जागरूकता बढ़ी है और जाति बहस का मुख्य मुद्दा बन पाई। SB 403 पहला एंटीकास्ट बिल है जो कैलिफोर्निया असेंबली के माध्यम से पारित हुआ है। इस बिल ने कैलिफोर्निया में एंटीकास्ट मूवमेंट में लगे साथियों, श्रमिकों, समतावादियों, न्याय पसंद रविदासिया और अंबेडकरवादी साथियों में गजब की एकजुटता कायम की है। इस बिल के पक्ष में लोगों ने जो समर्थन दिखाया है, उस पर हमें गर्व है। जिस तरह से महिलाओं की मुक्ति के लिए बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल पेश किया था, लेकिन वो संसद में पास नहीं हो पाया था, उसी तरह से SB 403 को भी देखा जा सकता है। जिस तरह से हिंदू कोड बिल को बाद में टुकड़ों में पास किया गया था, उसी तरह अब अमेरिका में जाति के खिलाफ नियम और कानून बनना बंद नहीं होंगे, बल्कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल इस बिल ने ना सिर्फ कैलिफोर्निया में बल्कि पूरे अमेरिका में जाति के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना दिया है और अब वहां जाति को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है, कानून बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में वहां एंटी कास्ट मूवमेंट और मजबूत होगा और मुमकिन है कि जल्द फिर से SB 403 जैसा एंटी कास्ट बिल पास हो जाए। सिएटल शहर में जातिवाद पर बैन लग चुका है। पिछले दिनों कैलिफोर्निया के फ्रेशनो शहर में भी जाति के आधार पर भेदभाव करने को बैन कर दिया गया था। ऐसे में हमें उम्मीद है कि अब अमेरिका के हर शहर में जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और जातिवाद करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। तमाम अंबेडकरवादी संगठनों ने गवर्नर के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस कदम को गलत ठहराया है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने भी गवर्नर के इस कदम की निंदा करते हुए बिल के पास ना होने पर दुख जाहिर किया है, लेकिन कास्ट के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहने का भी भरोसा दिया है। इस एंटीकास्ट बिल SB 403 को अफगान मूल की अमेरिकी सांसद आयशा वहाब ने कैलिफोर्निया की स्टेट सीनेट में पेश किया था। अमेरिका के हिंदूवादी संगठनों ने इसे हिंदू विरोधी बिल बताया और इसका विरोध किया। वो कह रहे थे कि जाति कोई समस्या है ही नहीं, इस तरह की बिल की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आयशा वहाब के हिंदू फोबिक उन पर आरोप लगाया कि आयशा वहाब हिंदू फोबिक हैं और उन्हें ये कहकर उनके दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन आयशा वहाब डटी रही और रविदासिया और अम्बेडकरवादी कम्युनिटी के लोगों ने इस बिल को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाया और ये बिल सदन से पास होता चला गया। दोनों सदनों से ये बिल जो है वो पास होता चला गया। कैलिफोर्निया राज्य के एंटीकास्ट बिल SB 403 को कैलिफोर्निया की सीनेट ने भी पास कर दिया था। 5 सितंबर को बिल के समर्थन में 31 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 5 वोट ही डाले गए थे, यानी मेजोरिटी के साथ ये बिल पास होता रहा। असेंबली में भी ये बिल पास हो चुका था, वो पहले ही पास हुआ था। तब स्टेट असेंबली में जो वोटिंग हुई थी उसमें SB 403 के पक्ष में 50 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में सिर्फ 3 वोट ही डाले गए थे, यानी असेंबली से भी 50-3 से ये वोट पारित हो गया, ये बिल पास हो गया, यानी मेजोरिटी से एंटी कास्ट बिल को पास कर दिया गया था।
अब इसे गवर्नर के साइन की देरी थी, इसमें इसके गवर्नर के पास इसको भेजा गया था और ये बिल साइन होते होते रह गया, क्योंकि जो गवर्नर न्यूसम हैं उन्होंने अन्याय का साथ देना चुना, उन्होंने इस बिल पर साइन नहीं किए। दरअसल इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि गवर्नर न्यूसम जो हैं वो असल में राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते एंटी कास्ट बिल को रिजेक्ट कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अपने कास्ट प्रिविलेज की वजह से, क्योंकि सवर्ण भारत में कई तरह के प्रिविलेज के साथ रहते हैं, उनके पास संपत्ति होती है, कई अवसर होते हैं, इस वजह से सवर्ण ज्यादा संख्या में अमेरिका गए और वहां बसे, नौकरियां की और अब वो वहां के नागरिक भी हैं, उनके पास वोट का अधिकार भी है। सवर्णों के संगठन वहां मजबूत हैं और उनकी लोबिंग भी काफी प्रभावशाली है, इसलिए गवर्नर न्यूसम उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन गवर्नर न्यूसम चाहते तो इतिहास में उन्हें जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अहम किरदार के तौर पर याद किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जातिवाद को बनाए रखने वालों का साथ देना चुना और अब उन्हें हमेशा कास्ट सपोर्टर के तौर पर ही देखा जाएगा। गवर्नर की राजनीति अपनी जगह, लेकिन हमारे दलित बहुजन साथियों ने जो जोश दिखाया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अमेरिका में दशकों से एंटी कास्ट मूवमेंट चल रहा है, वहां बसने वाले अंबेडकरवादी पिछले कई सालों से जाति के खिलाफ कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को ग्लोबल एंटी कास्ट मूवमेंट की कामयाबी माना जाना चाहिए। अमेरिका में चल रहे इस जाति विरोधी आंदोलन में माता सावित्रीबाई फूले और माता रमाबाई अंबेडकर की बेटियों ने भी कमाल कर दिखाया था। इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात यह भी रही कि इसे महिलाएं ही लीड कर रही थी। कैलिफोर्निया में बसने वाले रविदासिया समुदाय के योगदान को भी खास तौर पर याद किया जाना चाहिए। SB 403 को कामयाब बनाने में रविदासिया कम्युनिटी ने भी दिन रात एक कर दिया, चाहे गुरुघरों में सभाएं कराना हो या फिर बिल के समर्थन में आने वाले लोगों के लिए लंगर लगाना। रविदासिया कम्युनिटी ने कैलिफोर्निया को गुरु रविदास के सपनों का बेगमपुरा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरु रविदास कहते थे कि मानुषता को खात है रैदास जात का रोग और बाबा साहेब कहते हैं कि भारत के लोग दुनिया में जहां भी जाएंगे जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। हमारे महापुरुषों ने जो चिंता जाहिर की थी आज जाति की वो बीमारी पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गई है। लेकिन हमारे पुरखों के एंटी कास्ट मूवमेंट को भी उनके वंशज पूरी दुनिया में चला रहे हैं। एंटी कास्ट मूवमेंट एक रिले रेस की तरह है, आप सबने देखी होगी रिले रेस। इस रेस में जैसे खिलाड़ी दौड़ता है और फिर थक जाने पर वो दूसरे खिलाड़ी को बैटन थमा देता है, फिर वो आगे लक्ष्य की तरफ दौड़ता है, वैसे ही एंटी कास्ट मूवमेंट में भी हम सब अपनी भूमिका निभाते हैं, मोर्चे फतेह करते हैं और फिर इस कारवां में नए साथी जुड़ जाते हैं जो इस एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे ले जाते हैं, नई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसलिए हमें SB 403 के रिजेक्ट होने से निराश नहीं होना चाहिए। हम अंबेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदि हैं, हमें विरासत में संघर्ष ही मिला है, इसलिए जब तक जाति के इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक इसे छोड़ेंगे नहीं। इस लड़ाई में लगे सभी साथियों और संगठनों पर हमें गर्व है। भारत की दलित कम्युनिटी के बिहाफ पर मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी तारीफ करता हूं और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी ये लड़ाई को, इस एंटी कास्ट मूवमेंट को किसी निर्णायक मोड़ पर जरूर पहुंचाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? एंटी कास्ट बिल SB 403 के रिजेक्ट होने पर आप अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जाहिर करें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। दोस्तों, आपसे एक आखिरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।
हैं।